हमारी टमाटर की फसल अभी फ्लावरिंग की स्टेज पर, जैसा कि आप देख सकते हो, और कुछ ही दिनों में फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। हमने टमाटर की नर्सरी किस तरह से लगाई थी, कब लगाई थी और इन पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से किया, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। टमाटर की खेती कैसे करें, इस पर हम एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं। हमने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से पूछा था कि क्या आप टमाटर की खेती कैसे करें, इस पर डिटेल में एक सीरीज देखना चाहते हैं या नहीं। तो बहुत से किसान भाइयों ने हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोला कि टमाटर की खेती कैसे करें, इस पर डिटेल में एक सीरीज लेकर आई। तो हम इस सीरीज में 3 वीडियो बनाएंगे। हम पहले वीडियो में जानेंगे कि टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करें और टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि टमाटर की फसल में खाद प्रबंधन किस तरह से करें और कीटों का नियंत्रण किस तरह से करें। तीसरे वीडियो में हम जानेंगे कि टमाटर में 1 एकड़ में हमारा कितना खर्चा आता है, हमारा कितना उत्पादन होता है और हम कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस सीरीज पर पहला वीडियो आज हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि टमाटर की नर्सरी किस तरह से तैयार करें और टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें तो हमारे 2000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप टमाटर की खेती कैसे करें, इस पर डिटेल में एक सीरीज देखना चाहते हैं या नहीं। हम 5 स्टेप्स के माध्यम से जानेंगे कि टमाटर की नर्सरी किस तरह से तैयार करते हैं और पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करते हैं। हमारी पहली स्टेप रहेगी टमाटर की नर्सरी हम कब कब लगा सकते हैं। दूसरी स्टेप में हम बात करेंगे लगाने की विधि पर। तीसरी स्टेप में हम जानेंगे कि टमाटर की नर्सरी में कीट व रोगों को किस तरह से कंट्रोल करें। चौथी स्टेप्स में हम जानेंगे कि टमाटर के पौधों का प्लांटेशन कब करना सही रहेगा। व पांचवी स्टेप में हम जानेंगे कि टमाटर के पौधों की प्लांटेशन किस तरह से करें। आते हैं हमारी पहली स्टेप पर, टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय क्या। हम टमाटर की नर्सरी तीनों ही सीजन में लगा सकते हैं। गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप टमाटर की नर्सरी 15 फरवरी से लेकर 15 तक लगा सकते हैं। व बारिश के सीजन में टमाटर की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में टमाटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आपको बरसात के सीजन के अंत में टमाटर की फसल से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। व ठंड के सीजन में टमाटर की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप सितंबर महीने में टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। हमने 5 सितंबर 2022 को टमाटर की नर्सरी लगाई थी। इसी के साथ आते हैं हमारी दूसरी स्टेप पर, टमाटर की नर्सरी लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। आप टमाटर की नर्सरी 2 विधियों के माध्यम से लगा सकते हैं। पहला क्यारिया बनाकर, दूसरा कोकोपीट में प्रोट्रे के माध्यम से। हमने क्यारिया बनाकर टमाटर की नर्सरी लगाई थी, तो हम पहले इसी विधि पर चर्चा करते हैं। आप सबसे पहले अपने खेत में क्यारियों का निर्माण कर ले। क्यारियों की लंबाई आप 10 फीट रखें और चौड़ाई 5 फीट रखें। ध्यान रहे कि हमारी क्यारियाँ एकदम समतल होना चाहिए। अब हम इन क्यारियों में गोबर की खाद का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद में इसे हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब आप टमाटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आप टमाटर के बीजों की बुआई छिड़कन विधि की सहायता से करें और बीज बुआई के बाद में आप कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ा दें। अगर आप इन बीजों को ज्यादा गहराई पर बोते तो आपके बीजों का जमाव अच्छी तरह से नहीं होगा। यह हमारी पहली विधि। आप इस विधि की सहायता से भी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी विधि प्रोट्रे में कोकोपीट के माध्यम से टमाटर की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 3 से 4 सामग्रियां लगेगी। हमारी पहली सामग्री रहेगी कोकोपीट, दूसरी प्रोट्रे, तीसरी वर्मी कंपोस्ट, चौथी पेरालाइट। अब आप सबसे पहले कोकोपीट को पानी में घोल ले और इसे अच्छी तरह से पानी को सोखने दे। पानी को सोखने के बाद आप कुछ इस तरह से कोकोपीट में से पानी को निकाल दे। फिर आप 5 किलो कोकोपीट में 1 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो पेरालाइट और 2 से 2.5 किलो मिट्टी ले और इनको अच्छी तरह से मिला दे। मिलाने के बाद में आप इस मिश्रण को प्रोट्रे में डाल दें कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में आप 1/2 इंच से भी कम उंगली की सहायता से होल करके इस होल के सेंटर में बीज टमाटर के बीजों को रख दें और इसके ऊपर
इस मिश्रण को वापिस से चढ़ा दें एक हल्की सी लेयर। अब आते हैं हमारी तीसरी स्टेप्स पर, टमाटर की नर्सरी में लगने वाले कीट पर रोक और उनका नियंत्रण किस तरह से करें। तो टमाटर की नर्सरी में शुरुआती दिनों में आपको मच्छर का अटैक देखने को मिलता है और फंगस जनित रोग आते हैं जिसके कारण आपके टमाटर के पौधे मर सकते हैं। इसलिए आप जब आपकी टमाटर की नर्सरी 10 से 15 दिन की हो जाए तब आप इमिडा क्लोरोपीट 17.8% 10 ग्राम 15 लीटर पानी में लेकर इस मिश्रण में आप कार्बेंडाजम और मेनकोजेब 25 ग्राम लेकर अपनी टमाटर की फसल के ऊपर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप टमाटर की नर्सरी में लगने वाले कीट व रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, टमाटर के पौधों का प्लांटेशन कब करें। तो टमाटर की नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि आपको टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट 25 से 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा, क्योंकि आप टमाटर के पौधों का जितना लेट ट्रांसप्लांट करेंगे आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ उतनी कम होगी। इसलिए आपको 25 से 30 दिन के अंदर अंदर टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में करना होगा अगर आप टमाटर की फसल से लंबे समय के लिए उत्पादन लेना चाहते हैं तो। अब आते हैं हमारी पांचवी और अंतिम स्टेप पर, टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें। अगर आपने टमाटर के लिए बेल वर्गी किस्म का चुनाव किया है और आपके टमाटर की फसल की हाइट 6 से 8 फीट तक जाती है तो आप रो से रो के बीच की दूरी 5 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रखें। और अगर आपने टमाटर की कम हाइट वाली किस्म का चुनाव किया है जिसकी मैक्सिमम हाइट 5 फीट तक ही जाती है तो आप हमारी तरह टमाटर के 2 रो के बीच की दूरी 3 फीट रख सकते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 फीट तक रख सकते हैं, क्योंकि हमने भी टमाटर के लिए जिस किस्म का चुनाव किया है उसकी भी हाइट 4 से 5 फीट तक ही जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर 2 लाइन के बीच की दूरी 3 फीट ली है। तो आपको टमाटर के पौधों के ट्रांसप्लांट के लिए जो डिस्टेंस रखना है वह हमने बता दिए, पर बहुत से किसान टमाटर की खेती पहली बार कर रहे होंगे और टमाटर की खेती में ट्रांसप्लांट किस तरह से करें उनको यह भी पता नहीं होगा। तो आप जब टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते हैं तो उसे किस तरह से करना है उसके लिए आप यह वीडियो देखिए। तो जो भी किसान भाई पहली बार टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उन्हें एक समस्या जरूर आई है कि जब वो टमाटर के पौधों को मिट्टी में इस तरह से ट्रांसप्लांट करेंगे तो कैसे बाहर आ जाता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम इन टमाटर के पौधों की जड़ों को ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते। जब आप टमाटर के पौधों की इन जड़ों को गहराई तक लेके जाएंगे कुछ इस तरह से तो फिर ये हमारे अंगूठे के साथ में चिपक के नहीं आएगी और फिर उसके बाद में आप मिट्टी चढ़ा दें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू रखें तो इस वीडियो को 2000 लाइक्स के हमारे टारगेट पर पहुंचा दें और हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी ज़रूर बताएं कि आप टमाटर की खेती कैसे करें, इस पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।